नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के क्लास में आप लोग पढ़ेंगे प्राचीन बेबीलोनिया में महिलाओं की स्थिति, अर्थात बेबीलोनिया के सामाजिक जीवन में स्त्रियों की दशा। ये टॉपिक जो है रिलेटेड है प्राचीन विश्व से, अर्थात ये कहे कि प्राचीन सभ्यताएं या एंशियंट सिविलाइजेशन। और ये पेपर जो है ये है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2, और ये सिलेबस है भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का मुजफ्फरपुर। तो हम लोग इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। इसके पहले मैं बेबीलोनिया समाज में दासों की स्थिति के बारे में चर्चा मैं कर चुकी हूँ, और आज के क्लास में हम लोग महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। प्राचीन बेबीलोनिया में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन बनता है। या ये कहेंगे कि बेबीलोनिया समाज में स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालें, या ये कहें कि हम्मुराबी की विधि संहिता के अनुसार महिलाओं की विधि संहिता में महिलाओं की क्या स्थिति थी, या महिलाओं के लिए क्या कुछ सुधार किया गया या कुछ कानून बनाए गए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, प्राचीन बेबीलोनिया में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। उन्हें समाज में स्वतंत्र स्थान प्राप्त था। घरेलू कामों में इनको एक सम्मानित पद प्राप्त था। हम्मुराबी के कानूनों के द्वारा स्त्रियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की गई, लेकिन तत्कालीन कानूनों के अनुसार पत्नी से स्त्री की अपेक्षा की जाती थी और सतीत्व भंग के कठोर दंड बनाए गए थे। साथ ही पति से भी अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे और अपनी सामाजिक अवस्था के अनुसार पत्नी का भरण पोषण करे। ये तो रहा हम्मुराबी ने कानून में पत्नी और पति के नैतिकता से जुड़े कुछ तथ्य। अब हम उन महिलाओं के वैवाहिक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ पे विवाह को व्यवहारिक रूप देने के लिए साथियों की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर सहित लिखित अनुबंध आवश्यक थे। इसमें उल्लेखित शर्तें दोनों पक्षों को आवश्यक रूप से माननी पड़ती थी। विवाह माता पिता के सहयोग से संपन्न किए जाते थे। वर का पिता कन्या के पिता को उपहार देता था और कन्या का पिता कन्या को प्रचुर मात्रा में दहेज देता था, और इस तरह से विवाह संपन्न किए जाते थे। बेबीलोनिया में अब पत्नी प्रथा, यानी कि कितनी पत्नी रख सकते थे, एक पत्नी प्रथा थी या बहु पत्नी प्रथा थी, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये पॉइंट है। तो बेबीलोनिया में एक पत्नी प्रथा थी, किंतु पुरुषों को अनेक उपपत्नियां रखने का अधिकार था। विवाहित स्त्रियों को नैतिकता का पालन करना पड़ता था। व्यभिचारिणी स्त्रियों तथा उनके प्रेमियों को नदी में डुबोकर प्राणदंड दिया जाता था। ऐसे हम्मुराबी की विधि संहिता के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई थी। विवाह को अनुबंध माना गया था, लेकिन वह अनुबंध एक तरफा शर्तों के आधार पर होता था, जिसका निर्धारण पति द्वारा किया जाता था। मगर स्त्रियों के हक में यह व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि पति और पत्नी का संपत्ति पर संयुक्त अधिकार था और दोनों की सहमति के बिना संपत्ति का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता था। तो ये हम कहें कि स्टॉप पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि कितनी पत्नी रख सकता था, एक पत्नी, बहुपत्नी या पति के संपत्ति पर दोनों का संयुक्त अधिकार था। आगे बढ़ते हैं। यह है व्यभिचारिणी, बेईमान और वंध्या होने पर स्त्रियों को तलाक दिया जा सकता था। कानून के अनुसार गृह कार्य में लापरवाही बरतने पर भी स्त्रियों को त्याग दिया जाता था। स्त्रियां भी पशुओं पर क्रूरता का आचरण, हिंसा का आरोप लगाकर दहेज में प्राप्त संपत्ति लेकर पितृगृह जा सकती थी।
पति के किसी कारणवश लंबे समय तक बाहर रहने पर स्त्री किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह सकती थी। यदि पति कहीं युद्ध बंदी या कहीं युद्ध में जाता सैनिक के रूप में चला जाता था तो स्त्री को पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं मिलती थी। किंतु यदि उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं रहता था तो वह दूसरा विवाह भी कर सकती थी। अब यहाँ अगले पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे स्त्रियों को तलाक का अधिकार। तो स्त्रियों को तलाक का अधिकार तो था ही, पुनर्विवाह का भी अधिकार था। सैनिकों की पत्नियों को अपने पतियों के लंबे समय तक घर से बाहर रहने पर भी पुनर्विवाह का अधिकार न था। स्त्रियां अपने पतियों को बिना अदालत में जाए तलाक नहीं दे सकती थी। किंतु यदि कोई पत्नी पति के विरुद्ध शिकायत लेकर अदालत में जाती तो अदालत उसे तलाक प्रदान कर सकती थी, मगर उसमें शर्त यही थी कि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित संबंध न रहा हो। यदि तलाक मांगने वाले पति का चरित्र दोषपूर्ण होता या पाया जाता तो उसे पानी में डुबोकर मार दिया जाता था। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि हम्मुराबी की विधि संहिता में कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे पत्नी को भी और पति को भी, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले पत्नी के न्यायिक क्या अधिकार प्राप्त थे। प्राचीन बेबीलोनिया में विवाहित स्त्रियों को कुछ न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त थे। विवाहित स्त्रियों को अदालत में गवाही देने का अधिकार था। स्त्रियों के पास व्यक्तिगत संपत्ति भी होती थी जिसको वह बिना अपने पति के अनुमति से बेच सकती थी। वह अपने दासों को भी बेच सकती थी, लेकिन दासियों के विषय में कुछ पाबंदी थी। यानी कि उसके पास दास थे या संपत्ति थे, दास को बेच अधिकारों के पास व्यक्तिगत संपत्ति होती थी जिसको वह बिना पति के अनुमति के बेच सकती थी। वह अपने दासों को भी बेच सकती थी, लेकिन स्त्री दासियों के संबंध में कुछ पाबंदियाँ थी। यदि जैसे किसी पत्नी ने अपने पति को कोई दासी उप पत्नी के रूप में रखने को दिया हो और उससे बच्चा पैदा हो गया, तो ऐसी स्थिति में वह स्त्री दास को नहीं बेच सकती थी। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे पति को भी पत्नी के ऊपर कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त थे। वह अपनी पत्नी को दास बना सकता था और 3 महीनों के लिए, यानी जरूरत पड़े तो पति अपनी पत्नी को दास बना सकता था और 3 महीनों के लिए उसे गिरवी रख सकता था, लेकिन 3 महीने के बाद उसे छुड़ाना पड़ता था, स्वतंत्र कराना पड़ता था। पत्नी की बेवफाई के लिए सजा के रूप में वह उसे बेच भी सकता था। यदि पत्नी से कोई संतान नहीं होती थी तो ऐसी दशा में पति के सामने 2 विकल्प थे, वह कोई उपपत्नी रख सकता था या अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। यदि कोई स्वतंत्र व्यक्ति किसी गुलाम स्त्री को अपने पत्नी या पत्नी बन उपपत्नी बना लेता, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, यदि कोई स्वतंत्र व्यक्ति किसी गुलाम स्त्री को अपनी पत्नी या उपपत्नी बना लेता तो उसे विवाह से पहले संतान होने के बाद ऐसी पत्नी को स्वतंत्र स्त्रियों के अधिकार मिल जाते थे। ओके। यदि किसी स्वतंत्र व्यक्ति की लड़की किसी दास से शादी कर लेती तो वह स्वयं दास नहीं बनती थी और उसके पति के स्वामी उस पर या उसके बच्चों पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखता था। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी स्त्री को केवल पुत्री ही होती और पुत्र ना होता तो अपने जीवन काल में वह अपनी संपत्ति को अपनी पुत्री को दे सकती थी। और हम्मुराबी के विधि संहिता में यह भी चर्चा किया गया था कि महिलाओं के धन पर पुत्रियों का अधिकार होता था। अब यहाँ एक टॉपिक है देवदासी प्रथा। बेबीलोनियन समाज में देवदासी प्रथा क्या थी और क्या अविवाहित महिलाएं ही देवदासी बनती थी, देवदासियों के आय के स्रोत क्या थे या क्या उनके परिवार होते थे, ये इतने सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगे। बेबीलोनिया समाज में देवदासियों को पर्याप्त प्रतिष्ठा मिलती थी। इनमें उच्च वर्ग के अविवाहित महिलाओं का स्थान प्रमुख था। देवदासी बनने पर
कन्या को पिता से सामान्य कन्या की भांति ही धन मिलता था, जिससे वह व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में अपनी इच्छा अनुसार व्यय कर सकती थी। उच्च वर्ग की अविवाहित कन्याओं, बेबिलोनिया के प्रमुख मंदिरों में रहने वाले देवदासियों के वर्ग विशेष की सदस्यता स्वीकार कर व्यापार आदि कर सकती थी। कुछ दिनों तक देवदासी के रूप में जीवन व्यतीत करने के बाद भी वे विवाह कर सकती थी। विवाहित अवस्था में देवदासी बनने के बाद उन्हें अपने पति से पृथक रहना पड़ता था। देवदासियाँ अपने पति की गरिमा की रक्षा के प्रति सजग रहती थी। मद्यपान उनके लिए विशेष निषिद्ध था, मद्यपान उनके लिए निषिद्ध था, यानी कि वो शराब स्मोकिंग का सेवन नहीं कर सकती थी। मद्यशाला में प्रवेश तक नहीं करना था उन्हें। इस अपराध का भागी होने पर उन्हें, यदि इस तरह के अपराध करते हुए उन्हें देखा जाए या दंडित किया जाए, तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बेबिलोनिया समाज में स्त्रियों को आदरपूर्ण स्थान दिया गया था। व्यवहारिक और कानून दोनों ही दृष्टियों से उन्हें उचित सुविधाएं हासिल थी। इस प्रकार हम्मुराबी के विधि संहिता के अनुसार महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उनकी स्थिति में 1000 गुना सुधार किया गया था और उन्हें समाज में समान स्थान प्राप्त था। तो फिर आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आसानी से नए नए वीडियो, पीजी के नोट्स, पीजी हिस्ट्री के नोट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नोट्स आपको आसानी से मिलते रहें। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच।